चलदे लंगर विच वापरी अनोखी घटना, बर्तना विचों अजिहा की निकलिया, सेवादार भी रह गए हक्के बक्के। कई बार ऐसिया घटनावां जा कोतक मनुख दे सामने आउंदे ने जिस बारे मनुख कल्पना भी नहीं कर सकता। एक ऐसा ही अनोखा कोतक संत बाबा अतर सिंह जी मस्तुआणा साहिब वालियां दे जीवन विचों सांझा करांगे। एक बार संता कोल एक अमीर सेठ आया ते उसने बेनती की कि महापुरखों असी लंगर लगाउणा है ते साडी बेनती है कि तुसी साडे घर जरूर चरण पावोगे। उस सेठ दी बेनती सुन के बाबा अतर सिंह जी ने कहा कि ठीक है सेठ जी, तुहाडी यही इच्छा है तो असी तुहाडे नाल लंगर जरूर छकांगे। सो मिथे हुए समय ते बाबा जी उस सेठ दे घर वल नू चल पए ते उधर सेठ ने बहुत वड्डा भंडारा कीता होया सी ते बहुत चंगा इंतजाम भी कीता होया सी। पर जदों बाबा जी पिंड दे विच आ रहे सन तां पिंड दी जोते ही एक गरीबड़ा जिहा सिख संता दे दर्शना लई पहुंच गया ते बाबा जी नू बेनती करन लग्या कि गुरु नानक दे घर दा एक निमाणा जिहा सिख है अते बहुत समय तो उन्हां दे दर्शना दा अभिलाषी सी ते अज उन्हां दे दर्शन हो गए ने, कृपा करके आप जी मेरे गरीब दे घर प्रशादा छको। उस सिख ने इस प्रकार बेनती की थी कि संता ने उसके मुख वल तक के कहा कि ठीक है भाई, असी तेरे घर प्रशादा जरूर छकांगे। तां इह कह के उस सिख संता नू घर लै गया, प्यार ते श्रद्धा दे नाल प्रशादा छकाउण लग पिया ते उधर उस सेठ नू किसी ने चुगली लगा दिती कि संत बाबा अतर सिंह जी उस दे घर आउण दी बजाय किसी होर दे घर लंगर छक रहे ने। इह सुण के उस सेठ गुस्से दे विच लाल पीला होण लग पिया। उह अपने साथियां दे नाल गरीब सिख दे घर पहुंचिया जिथे संत जी लंगर छक रहे सन अते गुस्से दे विच संता नू माड़ा चंगा किया। इस सुन के महापुरखा ने कहा कि सेठ जी तुसी गुस्सा ना करो, असी तुहाडे घर भी लंगर छकन जरूर आवांगे। ते सेठ ने उस समय बाबा जी दी बांह फड़ी ते कहा कि उसे समय ही मेरे नाल तुसी मेरे घर चलो। बाबा जी ने बहुत समझाया पर सेठ ना मन्या, तां बाबा जी भी उसदे नाल उसदे घर पहुंच गए। संता ने देखा कि सचमुच ही सेठ ने बहुत वड्डा इंतजाम कीता होया सी। सेठ दे घर रिश्तेदार ते साख संबंधियां दा वड्डा इकट्ठ लग्या होया सी। पर जद एक गल फैली कि संत बाबा अतर सिंह जी सेठ दे घर आए हुए ने तां बाबा जी दे दर्शनां दे लई संगत दा इकट्ठ वधण लग पिया। जिवें जिवें पिंडां दे विच एक गल फैलदी रही उवें ही संगतां दा इकट्ठ भी काफी वधदा रहा। संगतां सेठ दा लंगर छकदियां गईयां पर जद बहुत ही ज्यादा संगतां आउंदियां दिसियां तां सेठ एक गल सुन के घबरा गया ते उसने होर रसद मंगवाया ते होर बहुत यतन कीते। इह देख के सेठ बहुत ही परेशान हो गया। उसदे मन दे विच विचार आया कि उसदे घरों जे कोई बिना लंगर छके मुड़ गया तां उसदी बहुत बेइज्जती होवेगी। ए चिंता ते फरियाद लैके सेठ अपने परिवार दे नाल संता दे कोल पहुंचिया ते रोंदे हुए सारी गल दसी। बाबा जी ने कहा कि सेठ जी कुछ समा पहला ही तुसी कह रहे सी कि तुसी 50 हलवाई लगाए ने ते इन्ना वड्डा लंगर तैयार कीता है कि इस नू हुण कौन छकेगा ते हुण संगतां छक रहियां ने ते तुसी हुण इन्हां संगतां नू लंगर छकाई जाओ। इस सुन के सेठ बहुत ही शर्मिंदा होया अते बाबा जी अगे बेनती करन लग पिया कि बाबा जी मैनू माफ कर दिओ, मेरे अंदर हंकार आ गया सी, मैनू यह नहीं कहना चाहिदा सी, मैं हुण हार चुके हैं, कृपा करके हुण मेरी इज्जत रख लो। ते बाबा जी मुस्कुराए ते कहण लगे कि सेठ अंदरों हंकार खत्म हो गया ते हुण गुरु नानक दे घर अगे पूरी तरह झुक चुके हैं ते हुण गुरु नानक साहब जी तुसी ही कृपा करो। ते बाबा जी ने आख्या कि सेठ जी तुसी कहा सी कि तुसी इंतजाम कीता है इस लंगर दा, हुण दसो ये लंगर किसदा है। ये सुन के सेठ जी जो पहला ही बहुत शर्मिंदा सी वो आखण लग पिया कि ये लंगर गुरु नानक दे घर दा है, उसदा इस दे विच कुछ भी नहीं, गुरु नानक ने ता सिर्फ सानू वडियाई दिती है, ये लंगर ता गुरु नानक साहब दा ही है। ये गल सुन के बाबा जी कहण लगे कि जेकर ये लंगर गुरु नानक दे घर दा है ता इस दे विच कदे भी टोट नहीं आ सकती। बाबा जी ने उस समय सारे सेवादारां नू अपने कोल बुलाया ते कहा कि गुरु नानक दे घर दा लंगर है, इस दे विच कदे टूट नहीं आ सकती। ते बाबा जी ने कहा कि सारे बर्तन जिन्हां विच दालां सब्जियां ते टोकरियां विच जिन्हां विच प्रसादे सन उन्हां सारे नूं ढक दिओ। ते उन्हां लंगरियां ने भी इस तरह ही कीता, सारे बर्तनां नूं कपड़ियां दे नाल ढक दिता। बाबा जी ने अरदास कीती ते सेवादारां नूं कहा कि बाल्टियां चक के भर लवो अते संगतां नूं कहा कि लंगर तैयार है, संगतां दे विच बैठ जाओ। ये सुन के सारे बहुत ही हैरान होए, खाली बर्तना दे विचों लंगर कित्थे आ जावेगा। जद सेवादारा ने कपड़े पासे कीते तां देखिया कि सारे बर्तना दे विच लंगर भरिया होया सी ते लंगर बिल्कुल ताज़ा ते गर्म सी। ये देख सारे बाबा जी दे चरणा दे विच डिग पए। बाबा जी ने ताकीद कीती लंगर नूं ढक के रखना जरूरी है, सिर्फ उन्नी ही जगह खाली रखनी है जिस विचों तुसी आराम दे नाल लंगर कढ सको, बाकी सारा बर्तन ढक के ही रखना है। इस तरह करते हुए लंगर शाम तक चलिया अते कोई भी संगत दे विच्चों बिना लंगर छके नहीं गया।